तो so गाइज़ इस वीडियो में हम गायनेकोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फिटल सर्कुलेशन अभी के लिए बस इतना जानिएगा कि जो फिटल सर्कुलेशन होता है वो पैदल में काम करेगा वहीं जो एडल्ट सर्कुलेशन होता है वो सीरीज में काम करेगा वर्क एज अ सीरीज आगे मैं बताऊंगा कैसे पैदल कैसे सीरीज में काम करेगा आइए अब हम अडल्ट सर्कुलेशन को एक बार रिवाइज करते हैं हमें पता है कि ये राइट right हार्ट है ये लेफ्ट हार्ट है जो राइट right हार्ट में ब्लड आते हैं वो होते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो आते हैं फ्रॉम इन्फीरियर वेनाकावर लोअर रीजन से और सुपीरियर वेनाकावर फ्रॉम अपर रीजन से यहाँ ये दोनों वीनस सिस्टम डी ब्लड पोर करती हैं इन दी राइट एट्रियम में वहाँ से वो राइट right एट्रियम से राइट right वेंट्रिकल में जाता है राइट right वेंट्रिकल से वो लेटर ऑन जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में ओके पल्मोनरी आर्टरी में और वहाँ से वो लंग में जाता है फॉर द प्योरीफिकेशन ऑन वो लंग से ब्लड प्योरीफाई होकर आता है पल्मोनरी वेन में पल्मोनरी वेन से वो आता है लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा और लेटर वो पूरे बॉडी को सप्लाई होता है ब्लड अब देख सकते हैं ये जो पैटर्न रहा है ये पूरा सीरीज के फॉर्म में रहा तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो अडल्ट हार्ट होता है वो वर्क एज अ सीरीज सीरीज के फॉर्म में काम करेगा आइए अब हम फिटर सर्कुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझते हैं उसके बाद हम इसके डिटेल में जाते हैं सबसे पहले हम ये समझते हैं जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है वो होता है प्लाजेंटा में ओके आप देख सकते हैं कि जो प्लाजेंटा से अटैच हुई है एक कॉर्ड जिसको बोलते हैं अम्बैलिकल कॉर्ड उसके अंदर दो आर्टरी होती हैं जिसको बोलते हैं अम्बैलिकल आर्टरी और एक वेन होती है जिसको बोलते हैं अम्बैलिकल वेन इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि कौन सी वेन बच जाती है तो आप ये याद रखिएगा कि लेफ्ट वेन लेफ्ट बिहाइंड राइट वेन ऑब्लिटरेटेड रहती है लेफ्ट वेन बची रहती है ओके तो इसलिए हम बोलते हैं लेफ्ट वेन लेफ्ट बिहाइंड तो दो आर्टरी रहती है एक वेन रहती है और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो अम्बेलिकल आर्टरी होती है वो कैरी करती है डी ब्लड वहीं जो अम्बेलिकल वेन होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू ये आर्टरी है अम्बेलिकल आर्टरी ये है एक वेन लेफ्ट वेन लेफ्ट बिहाइंड कई अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम समझने जा रहे हैं जिसको आप ध्यान से सुनिएगा आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं बट हम कोशिश करेंगे इसको और सिंपलीफाई करने के लिए तो आप प्लीज़ ध्यान से इस पार्ट को समझिएगा देखिए ये प्लाजेंटा होता है प्लाजेंटा से निकलता है अम्बेलिकल कॉर्ड और उसमें होते हैं अम्बैलिकल आर्टरी और अम्बेलिकल वेन ओके तो ये अम्बैलिकल ब्लू कलर के हो गए अम्बैलिकल आर्टरी और रेड कलर के हो गए अम्बेलिकल वेन अम्बेलिकल वेन हमें पता है कि ये कैरी करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हुए जाता है थ्रू लीवर और इसमें एक शंट होता है जिसको बोलते हैं डक्टस विनोसिस और उस शंट को क्रॉस करते हुए जिसमें से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो अम्बेलिकल वेन में जा रहे हैं वो दस परसेंट इस लीवर में चले गए हैं ओके क्योंकि लीवर को भी ब्लड चाहिए ऑक्सीनेटेड ब्लड अपना जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको फुलफ़िल करने के लिए तो दस परसेंट ब्लड चला गया अम्बेलिकल वेन से लीवर में ओके और आप देख सकते हैं कि इन्फीरियर वेना कावा नीचे से आता है वो ब्लड डी लेके आता है वहाँ जो 90% परसेंट अमेलिकल वेन के जो ब्लड रहते हैं ऑक्सीनेटेड फॉर्म में वो मिक्स हो जाते हैं तो लेटर ऑन इन्फीरियर वेनाकावे में कौन से ब्लड होते, है? होते हैं मिक्स ब्लड होते हैं ऑक्सीनेटेड और डी ऑक्सीनेटेड बट मैक्सिमम ऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं क्योंकि अमेलिकल वेन में 90% परसेंट ब्लड ऑक्सीनेटेड रहा है और वो कैरी करते हैं राइट right एट्रियम में ओके okay? तो राइट right एट्रियम में आ जाता है वहीं जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो ब्लड लेके आता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है जब ये राइट right एट्रियम में पहुंचते हैं तो यहाँ गाइज एक तरीके से क्रिस्टा डिविडेंस का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो राइट right एट्रियम के से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो कैरी हो जाता है टूवर्ड द लेफ्ट एट्रियम थ्रू फोरामैन ओवाले ओके तो फोरामेन ओवाले राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला जाता है ठीक है और जो डी ब्लड होता है वो बच जाता है और वो चला जाता है राइट right एट्रियम से से राइट right वेंट्रिकल में और वहां से वो चला जाता है पल्मनरी आर्टरी में ओके पल्मनरी आर्टरी में जाने के बाद आप देख सकते हैं वहाँ से वो कुछ पार्ट चला जाता है लंग्स में ओके और कुछ पार्ट वो चला जाता है टूवर्ड दी ऑटा में थ्रू डक्टस आर्टेरियोस तो ये तीसरा शंट हुआ देखिए देखिएगा दो तीन शंट होते हैं यहाँ पहला होता है डक्टस विनोसिस दूसरा होता है फोदामिन ओवाले तीसरा होता है डक्टस आर्टेरियोसिस ओके तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड निकला और वो ब्लड रहता है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड और वो जाके मिक्स हो गया ओटा से ओके और लेटर ऑन वहाँ से वो डिसेंडिंग ओवटा के थ्रू हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू अम्बैलिकल आर्टरी में पहुँच गया और वो चला गया अम्बैलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लाजेटा में फॉर द ऑक्सीजनेशन तो ये पाथवे रहा पल्मोनरी आर्टरी से जैसे मैंने यहाँ चालू किया था अब वहीं अगर हम समझें कि जब जैसे मैंने बताया था कि फोरामैन ओवेले से जो ब्लड जा चुका था ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में वो ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और वो लेटर ऑन जाएगा औोटा में और ओवटा से वो ब्लड मैक्सिमम चला जाएगा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे ब्रेन ओके ये सब रीजन में सप्लाई होगा और वहाँ से लेटर ऑन कुछ ब्लड यहाँ से मिक्स हो जाएंगे विथ डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो मैंने बताया था जो पल्बनरी आर्टरी से आता है और वहाँ से वो सेम प्रोसेस से जाएंगे डिसेंडिंग लेटर ऑन वो जाएंगे हाइपोगेस्टिक आर्टरी और अम्बाइलिकल आर्टरी सब डी ब्लड जाके प्लाज्टा में ऑक्सीनेटेड होंगे तो ये पार्ट आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा मैं इसको एक फ्लो चार्ट में फिर से बता रहा हूँ आप फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा देखिए गाइस ये मैं फ्लो चार्ट के थ्रू बता रहा हूँ इससे पहले वाले पार्ट को मैं बता चुका था आपने अगर थोड़ा डाउट होगा अगर आपको पार्ट समझ में नहीं आया होगा तो मैं इससे और इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैंने बताया था कि अम्बैलिकल वेन होते हैं वो ऑक्सीडेटिव ब्लड कैरी करती हैं ओके वो ट्रैवल होती हैं थ्रू लीवर जो पोटरसाइनस के थ्रू होता है वहाँ जो अम्बैलिकल वेन होती है जो ऑक्सीडेंटेड ब्लड होती है वो दस ब्लड पोर्टल साइनस के थ्रू लीवर में चली जाती है और बाकी नब्बे प्रतिशत ब्लड वो इन्फीरियर बैनाकावा में चली जाती है इन्फीरियर बेनाकावा में ऑलरेडी डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है बट उसमें नाइन्टी परसेंट ऑक्सीनेटेड ब्लड चला गया तो ज़्यादातर इसकी मात्रा बढ़ जाती है मीन्स ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और वही जो सुपीरियर बनाकावा आता है वो ऑलरेडी अपर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है और ये सब आके मिलते हैं राइट right एट्रियम में राइट right एट्रियम से वहाँ डिविडेंस का प्रोसेस होता है और तो वहाँ देखा जाए तो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो फोरामेन ओवेले के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है और लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो ओटा से मिलता है ओके okay? ओटा में चले जाता है और ओटा के थ्रू ब्रैक्योसिफेलिक आर्टरी के थ्रू वो अपर पार्ट में चला जाता है ओके okay? और कुछ पार्ट उसका अपर लिम और ब्रेन में भी चले जाते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और रेस्ट जितने भी ब्लड होते हैं जो मिक्स ब्लड होते हैं वो चले जाते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी वो देखते हैं कैसे चले जाते हैं ये पाथ मैंने बता दिया है ये पाथ को आप फिर से देखते हैं जो क्रिस्टा डिविडेंस के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया था लेफ्ट एट्रियम में ओके okay, अब बचा हुआ जो डी ब्लड है वो बच गया है वो जाता है राइट right वेंट्रिकल में और राइट right वेंट्रिकल में जाते के बाद वो पलमरी आर्टरी से वो जाता है थ्रू डक्टस आर्टेरियोस से ओटा में जाता है और ओटा से वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है जो यहाँ के मिलता है आप देख सकते हैं ये कलर ये मिक्स ब्लड होता है मीन्स यहाँ से भी ब्लड आते हैं ऑक्सीडेंटेड और यहाँ से डीऑक्सीटेड ब्लड आते हैं ओके okay? यहाँ से आती है ऑक्सीडेटेड ब्लड यहाँ से आती है डी ब्लड और ये आके रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाती है ओके okay? और लेटर uh, ऑन वो हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू वो वहाँ जाके ऑक्सीजनेशन में कन्वर्ट होती हैं और फिर लेटर ऑन अगेन वो प्रोसेस चालू होता है अम्बेलिकल वेन से सेम प्रोसेस तो गाइज इसीलिए मैंने बोला था कि ये पैदल सर्कुलेशन शो करता है क्यों मैंने बोला था पैदल सर्कुलेशन क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ये लेफ्ट हार्ट होता है उसका सर्कुलेशन अलग होता है और राइट हार्ट का जो सर्कुलेशन अलग होता है बट दोनों पैदल वे में जाते हैं पैदल होते हैं पैदल फ्लो होता है ब्लड का भले ही वो ऑक्सीजनेटेड हो या डी हो बट वो पैदल ही वर्क करते हैं नॉट इन अ सीरीज वे इसलिए हम इसको जो फिटर सर्कुलेशन का ब्लड होता है वो पैदल सर्कुलेशन होता है कलरिंग एरो है जो ग्रीन एरो देख सकते हैं ये ये होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए वहीं जो रेड होता है वो एरोड ब्लड के लिए होता है वहीं ये जो ऑरेंज कलर का होता है वो पार्टली ऑक्सीनेटेड ब्लड का होता है जो यहां है आप इससे इससे एक इमेजिन कर सकते हैं इससे एक समझ सकते हैं जैसे मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था कि जो ये सर्कुलेशन होता है फिटर सर्कुलेशन इसमें क्या होता है जो ब्लड जो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो आती है प्लाजेटा से थ्रू अम्बेलिकल वेन ये हम चाहते क्या हैं कि ये जो ऑक्सीजेटेड ब्लड है ये पूरा ब्रेन की ओर चले जाए ताकि ब्रेन का विकास अच्छे से हो जाए डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए और ये जो ब्लड होते हैं एम्बेलिकल वेन से ये बाईपास कर जाए लीवर से और हार्ट से और डायरेक्टली पहुंच जाए ब्रेन पर बट अब ऐसा तो पूरी तरह हो, हो नहीं सकता कि हंड्रेड परसेंट यहाँ से जो ऑक्सीजटेड ब्लड आया वो हंड्रेड परसेंट ब्रेन में जाएगा वो यहाँ भी थ्रू सर्कुलेशन इसके थ्रू जाने वाला है लीवर और हार्ट uh, के थ्रू तो आप देख सकते हैं कि जो अम्बेलिकल वेन होता है ओके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वो लीवर के थ्रू जाते हुए जो पोर्टल वेन होती है जो पोर्टल वेन होती है वहाँ से वो ब्लड जा रही है और वहाँ एक शंट है सबसे पहला शंट है जिसको बोलते हैं डॉक्टर्स वनोसुस से ओके उस शंट के थ्रू ब्लड जाती है और वो मिलती है इन्फीरियर वेनाकावा से तो उससे पहले इन्फीरियर वेनाकावा में मिलने से पहले दस प्रतिशत जो अम्बेलिकल वेन का जो ब्लड होता है जो ऑक्सीडेंटरी ब्लड होता है वो चला जाता है लीवर में ऑफकोर्स वो जरूरी भी है लीवर के लिए फॉर वेरियस मेटाबॉलिक पर्पज़ के लिए वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए लेटर ऑन जो वेन में 90 प्रतिशत ऑक्सीनेट्रेड ब्लड होती है वो मिक्स हो जाती है इन्फीरिया वेनाकावा के डी ऑक्सीनेट्रिड ब्लड से बट स्टिल ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है इन्फीरिया वेनाकावा में और ये जाके मिलती है ऑफकोर्स राइट एट्रियम में आप देख सकते हैं इन्फीरिया वेनाका से ओके okay? यहाँ से आप देख सकते हैं और ये हार्ट में पहुँची ओके okay? तो यहाँ पहुंच गई राइट एट्रियम में वहीं ऊपर से सुपीरियर बैना का वो ब्लड लेके आ रहा है डी ब्लड ओके और वो आके मिल रहा है राइट एट्रियम में और यहाँ आके क्रिस्टा डिविडेंस का प्रोसेस होता है और थ्रू फोरामेन ओवेले ये दूसरा शंट है वहाँ से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वहाँ से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है सिर्फ ऑक्सीनेटेड ब्लड तो ये फोरामैन ओवेले के थ्रू गया हुआ है तो ये दूसरा शंट रहा और वहीं जो बचा खूचा जो डी ब्लड है वो राइट right वेंट्रिकल में जाएगा फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और कुछ पार्ट टूअर्ड दी लंग जाएगा और कुछ पार्ट ऑफ ब्लड जो डी ब्लड है वो डक्टस आर्टेरियोस से होते हुए वो हो जाता है वो मिल जाता है ओटा में और वहाँ वो ब्लड मिक्स होके लेटर ऑन वो ट्रैवल करता है टूअर्ड दी डिसेंडिंग ओटा और वो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से अम्बेलिकल आर्टरी से वो पहुँच जाता है अम्बेलिकल कॉर्ड में और लेटर ऑन वो प्लाज्टा में जाने के बाद ऑक्सीनेटेड हो जाता है ये तो रहा ये पाथवे और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से जो ब्लड जा चुका था लेफ़्ट एट्रियम में जो ऑक्सीडेंटि ब्लड जा चुका था वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में वहाँ से वो ब्लड जाता है ऑफकोर्स वो जाएगा ओटा में और ओटा से वो ब्लड लेटर ऑन यहाँ इस रीजन में आके ओके यहाँ वो ब्रैक्यो सेफेलिक ट्रंक के थ्रू वो मैक्सिमम ब्लड ब्रेन की ओर पहुँचाएगा अपर पार्ट में और जो कुछ ब्लड वो जाएगा जो मिक्स हो जाएगा जो पल्मी आर्टरी में से जो ब्लड आया हुआ था जो डी ब्लड था वो मिक्स लेटर ऑन वो सेम प्रोसेस फॉलो करेगा थ्रू डिसेंडिंग औटा ओके ऑन वो हाइपोगेस्टिक आर्टरी जाएगा फिर ऑफकोर्स वो जाएगा अम्बेलिकल आर्टरी और वहाँ से प्लाजेंटा की ओर चला जाएगा फॉर दी ऑक्सीजनेशन तो ये पाथवे जो मैं बता चुका हूँ फिर से मैंने एक बार और ट्राई किया है इसके थ्रू समझाने के लिए आइए अब हम समझते हैं कि जब बेबी बॉर्न हो चुका रहता है तो उसके बाद वो जो तीनों शंट होते हैं ये जो तीनों शंट होते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर दी बर्थ जो डक्टस विनोसिस होता है वो लेटर ऑन उसका क्लोजर हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है उसका जो रेमिनेंट पार्ट बचता है जिसको बोलते हैं लिगामेंटम विनोसम वहीं जो डक्टस आर्टिशिस होता है उसका जो रेमिनेंट पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसिस और वहीं जो फोरामेन ओवेले होता है वो बंद हो जाता है और उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस तो ये रहे रेमिनेंट पार्ट इन तीनों शंट के जो डक्टस विनोसिस होता है उसका फिजियोलॉजिकल क्लोजर होता है टेन टू नाइनटी सिक्स आवर आफ्टर दी बर्थ वहीं जो एनाटोमिकल क्लोजर इसका होता है टू टू थ्री वीक ऑफ लाइफ ओके इस बीच में इसका क्लोजर हो जाता है वहीं जो डक्टस आर्टिजियोसिस होता है उसका फिजियोलॉजिकल क्लोजर होता है दस से पंद्रह घंटे के दौरान बर्थ के बाद वहीं जो एनाटोमिकल क्लोजर होता है वो होता है पंद्रह से इक्कीस दिन के बाद ओके okay? पंद्रह से इक्कीस दिन के रेंज में इसका क्लोजर होता है या मैक्स टू मैक्स थ्री मंथ आप मान के चलिएगा वहीं जो फोदामेन ओवेलर होता है उसका फिजियोलॉजिकल क्लोजर होता है एट बर्थ ओके okay? बर्थ के दौरान वहीं इसका जो एनाटॉमिकल क्लोजर होता है थ्री मंथ और विद इन वन ईयर इन दौरान, दौरान क्लोजर हो चुका रहता है तो ये इवेंट होते हैं बर्थ के बाद वहीं आप एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो समझना बहुत जरूरी है इसमें यह बताया गया है कि जो अम्बैलिकल वेन होते हैं उसका कन्वर्जन होता है जो उसका रिमिनेंट या इसको जो हम बोलते हैं वो लिगामेंटम टेरस होता है जो राउंड लिगामेंट है लीवर का वहीं जो अम्बेलिकल आर्टरी या इसको बोलते हैं हाइपोगैस्टिक आर्टरी उसको लेटर ऑन उसका जो रेमिनेट पार्ट है उसको हम बोलते हैं अम्बेलिकल लिगामेंट तो इस तरीके से बर्थ के बाद ये सब जो रेमिनेट होते हैं उसका नाम अलग हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं तो उसको याद रखना बहुत जरूरी है